जी भूपेश बघेल ने आज धमतरी जिले के कंजेल से गांधी पदयात्रा का आगाज किया और इस दौरान उन्होंने गंभीर राष्ट्रवाद और उत्तेजक राष्ट्रवाद को लेकर भी बेबाक बातें कही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वराज एक्सप्रेस के संवाददाता आशीष तिवारी से भी इस दौरान खास बातचीत की। गांधी के विचारों को छत्तीसगढ़ सरकार जनता के बीच लेकर जा रही है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पदयात्रा पर निकले हैं और ये पदयात्रा आज से शुरू हो रही है और 10 तारीख तक चलेगी, लेकिन इस पदयात्रा के कई पड़ाव होंगे। कंडेल दरअसल इसलिए चुना गया क्योंकि गांधी जी यहाँ पर पहुंचे थे 1920 में, कितने प्रासंगिक हैं सर गांधी जी? गांधी जी उस समय प्रासंगिक थे जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी और न केवल देश की आजादी बल्कि समाज सुधार के दिशा में उन्होंने जो काम किया, अस्पृश्यता निवारण है, नारी शिक्षा है, नारी स्वावलंबन है, नई तालीम है, ग्राम स्वराज है, ये सारे कार्यक्रम आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय गांधी जी थे। जनता के बीच गांधी जी के विचारों को लेकर आप जा रहे हैं, पदयात्रा शुरू हुई है, आज कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी आपने की है, कंडेल का जिक्र भी बेहद जरूरी हो जाता है खासतौर पर जब मैडम सिल्ली का नाम बदला जाता है। देखिए उसी बांध के पानी के लिए बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने गांधी जी के यहाँ लाया था और उसके स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए उस बांध का नाम बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव रखा गया है। यहाँ एक महाविद्यालय की मांग है जो गांधी जी के नाम से रहेगा और उसी प्रकार से जैन साहब जो उनकी 3 दिन तक एक गाड़ी चलाए थे उसके नाम से उस महाविद्यालय कल आपने महत्वपूर्ण बात कही थी गंभीर विचारधारा और उत्तेजक विचारधारा, किस तरीके से लड़ाई लड़नी होगी और लोगों के जनमानस को, लोगों की चेतना को किस तरीके से जानने का जो राष्ट्रवाद है वो यहाँ के विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा भाषी का सम्मान देने का काम, सबको एक साथ लेके चलने का काम, ये गंभीर राष्ट्रवाद है और ये राष्ट्रवाद आज से नहीं, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, भगवान शंकर, रामानुज, कबीर, तुलसी, गुरु नानक देव, ये तमाम संत जो हुए ये उनका मार्ग है। रामकृष्ण परमहंस जिन्होंने सभी धर्मों से प्रार्थना करके उन्होंने एक ही ईश्वर, सभी रास्ता एक ही ईश्वर को प्राप्त होता है बताया था, ये इसका प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया उस विचारधारा का आगे बढ़ाने का। ये गंभीर राष्ट्रवाद है, एक राष्ट्रवाद है जो उत्तेजक है, जो उत्तेजना फैलाता है और ये राष्ट्रवाद देश का नहीं बल्कि जर्मन की भूमि से हिटलर से प्रभावित होकर आया है। ये उत्तेजक राष्ट्रवाद है जो देश के लिए, समाज के लिए घातक। राष्ट्रीय चेतना को कैसे जागृत किया जाएगा इस बड़ी लड़ाई में? देखिए संत महात्मा लोग जो रास्ता बताए हैं उसमें चलते हुए फिर से ये जो गंभीर राष्ट्रवाद है इसको पुनर्जीवित किया जाए और सब लोग एक साथ हिंदुस्तान के निर्माण में सब लोग लगें, समाज के विकास और उत्थान के लगें। एक महत्वपूर्ण सवाल है सर कि आप पदयात्रा पर भी चल रहे हैं लेकिन राष्ट्रीय चेतना और मानस को बदलने के लिए युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे आज के दिन? युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो स्वावलंबी बने, वो जो हमारे पुराने वैभव है, हमारे ऋषि मुनि संतों के जो संदेश हैं उसका अध्ययन करें और अपने जीवन में आत्मसात करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कंडेल से पदयात्रा का आगाज उन्होंने किया है, मौका है गांधी जी की 150वीं जयंती का और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार गांधी के विचारों को लेकर चलने की बात को दोहराती है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं गांधी के विचार तभी सार्थक होंगे जब सर्वांगीण विकास की दिशा में सरकार अपने कदम आगे बढ़ाएगी। कैमरा मैन अखिलेश पवार के साथ आशीष तिवारी, कंडेल, धमतरी।